बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, स्टार्ट करते हैं जी स्कैनफ फंक्शन से। स्कैनफ फंक्शन का जो है वो क्या मकसद है और ये किस लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। सबसे पहले देखें, जिस तरीके से आपने पहले डिस्कस हम लोगों ने किया कि जो प्रिंट एफ फंक्शन है ना, वो बेसिकली आउटपुट के लिए यूज होता है, यानी कि आप लोगों ने जो स्क्रीन के ऊपर रिजल्ट्स दिखाने हैं ना, उस काम के लिए आपका प्रिंट एफ फंक्शन यूज होता था। अब एक हमें कभी कभी जो है वो यूजर से इनपुट लेनी पड़ती है, ठीक है। जब हम यूजर से इनपुट लेने की कोशिश हमें जरूरत पड़ती है, तो हम फिर क्या करते हैं, हम स्कैन एफ का फंक्शन यूज करते हैं। यानी कहने से मुराद ये है कि जो स्कैन एफ का फंक्शन है, उसका मकसद ही ये होता है कि वो यूजर से कोई ना कोई इनपुट ले, उसको स्टोर करवाए किसी वेरिएबल के अंदर, और देन हम उसको आगे कहीं पे यूज कर सकें। तो जरा पढ़ते हैं। अनफॉर्चुनेटली स्टूडेंट्स, मैं स्लाइड्स तो नहीं बना सकता क्योंकि ड्यू टू शॉर्टेज इन टाइम, ठीक है। आप लोगों में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कमेंट्स वगैरह किए कि लेक्चर सीरीज को फटाफट कंटिन्यू करें, तो शॉर्टेज है टाइम की, दैट्स वाई मैं स्लाइड्स जो हैं वो अपनी बुक से ही, आपकी आपकी बुक बेसिकली मैं इसके अंदर स्लाइड्स के अंदर शो करवाऊंगा, और देन उसको डिस्कस करके तो विद प्रैक्टिकल आपको चीज़ें सिखाने की कोशिश करूंगा। इसके साथ हम लोग प्रैक्टिकल भी करेंगे। अब जो स्कैनफ फंक्शन है, इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। स्कैनफ इज ए बिल्ट इन फंक्शन इन सी लैंग्वेज। यानी बिल्ट इन फंक्शन, जो कि पहले आपको बता चुका था इससे पहले, कि बिल्ट इन फंक्शन ऐसे होते हैं जो कि सिस्टम के अपने फंक्शन होते हैं जिनको आप सिर्फ यूज करते हैं, जिसकी मदद से, अब ये जो स्कैन एफ फंक्शन है, इसकी मदद से आप क्या करेंगे, इनपुट लेंगे यूजर से, ठीक है जी, और किसी ना किसी वेरिएबल के अंदर रखेंगे। वही बात है कि आपने इनपुट लेनी है तो उसको रखना तो है ना कहीं पे भाई, तो उसको रखने के लिए आपको जो जरूरत पड़ेगी वो वेरिएबल की जरूरत पड़ेगी, ठीक है जी। तो जब भी आप लोगों ने कोई इनपुट लेनी होती है, तो आपने उस वेरिएबल की बेसिकली डेटा टाइप भी बतानी होती है, और आपने टाइप बतानी होती है किस टाइप की आप इनपुट ले रहे हैं, ठीक है। एक वो डेटा टाइप जिस डेटा टाइप का आप वेरिएबल बना रहे हैं, यानी कि यहाँ पे अगर देखें, ये नीचे आपके सामने एक एग्जाम्पल है, आपने करेक्टर टाइप का इसको ग्रेड डिक्लेयर किया हुआ है ना, तो इसका मतलब ये है कि ग्रेड का जो बॉक्स है कंप्यूटर के अंदर जो बनेगा, ग्रेड नाम का, ये इसका नाम क्या है जी, मैं रख देता हूँ ग्रेड, ठीक है। इसके अंदर जो वैल्यू आएगी ना स्टूडेंट्स, वो करेक्टर टाइप की होगी, ठीक है। अब करेक्टर टाइप की वैल्यू लेने के लिए आप स्कैन एफ के अंदर मेंशन करेंगे कि भाई कोई किस तरह के आपने वैल्यू एंटर करनी है। यहाँ पे मैंने मेंशन, यानी इन्होंने की हुई है कि परसेंट सी, दैट मीन्स कि आप सिर्फ करेक्टर टाइप की वैल्यू जो है वो ग्रेड के अंदर यहाँ पे रखेंगे, और ये यहाँ पे आप बेसिकली बताते हैं एड्रेस, ये एड्रेस ऑपरेटर है, एड्रेस ऑफ ग्रेड, ठीक है। यानी कि जो भी वैल्यू आप स्कैन एफ के जरिए ले रहे हैं यूजर से, वो होगी करेक्टर डेटा टाइप, और वो जाएगी किसके अंदर, ग्रेड के अंदर। स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आपको इस बात की समझ आई होगी, लेकिन इसको मजीद समझने के लिए हम अपने जाते हैं इसके अंदर प्रैक्टिकल के अंदर, प्रैक्टिकली चीज को देखते हैं कि क्या हमारे पास इसके रिजल्ट्स जी। तो स्टूडेंट्स, आपको पता ही होगा कि मैंने आपको लास्ट टाइम ये चीज़ जो है वो सिखाई थी कि किस तरीके से आपने प्रोजेक्ट्स वगैरह बनाने हैं, लेकिन क्या आपका सी प्रोजेक्ट है, सी पे क्लिक करेंगे और यहाँ से आप अपना मैं कह देता हूँ प्रैक्टिस, ठीक है, 10 10 की प्रैक्टिस है जी कंप्यूटर की, तो हम यहाँ पे इसको ओके करता हूँ मैं, ठीक है। तो इस तरह इसको सेव करें, और ये आपके पास बाय डिफॉल्ट इस तरह की स्क्रीन है आपके पास आ जाएगी। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ ताकि आपको नजर आए चीज़ें। अब ये यहाँ पे देखें, तो आपने जो अभी जो हम डिस्कस कर रहे थे जिस एग्जांपल को, वो ये थी कि हम लोगों ने एक सिंपल जो है वो ग्रेड के अंदर जो है वो वैल्यू लेनी है, ठीक है, सिंपल ग्रेड एंटर करवाना है। तो बिल्कुल आसान चीज़ है कि आप सबसे पहले करेक्टर, ये देखें, ये चीज़ पहले बनी बनाई आएगी मेन फंक्शन, ठीक है, इसको आपने ऐसे ही रहने देना है करेक्टर। और अगेन ये जो चीज़ है किस तरीके से आपने करनी है, इसकी मैंने एक सेपरेट आप लोगों को बता दिया हुआ है ऑलरेडी, क्या किस तरीके से आपने इसको जो है वो यूज करना है, इसका लिंक आपके पास गिवन है, आप इसको इंस्टॉल कर लें। अच्छा जी, पहले लिंक जो है फर्स्ट वीडियो की डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है। अभी देखिए, करेक्टर ग्रेड मैंने लिखा, ठीक है, ये क्या हुआ, जब आपने ये करते हैं ना, तो मेमोरी के अंदर एक बॉक्स बन जाता है जिसका नाम हो गया ग्रेड। अब क्या करता हूँ मैं, स्कैन एफ, ठीक है, स्कैन एफ मैं फंक्शन यूज करूंगा, ठीक है, और इसके अंदर मैं क्या लिखूंगा जी, मैं सबसे पहले मेंशन करूंगा कि कौन सी डेटा टाइप का मैं जो है वो वैल्यू लेने लगा, मैं सी टाइप, यानी कि करेक्टर टाइप। करेक्टर टाइप के लिए आपको पता है एक्सेस स्पेसिफायर, हमने पहले भी इस पर डिस्कस किया हुआ था। अब मैं यहाँ पे बताऊंगा एड्रेस ऑफ जिस वेरिएबल में आपने वैल्यू स्टोर करनी है, ग्रेड, ठीक हो गया जी। ले जी,
ये तो काम हो गया, स्कैन एफ और ये हम लोगों ने बिल्कुल जी इसके अंदर कर लिया, लेकिन स्टूडेंट्स एक चीज हम मिस कर रहे हैं, हमने यूजर को भी तो बताना है कि भाई वैल्यू एंटर करो। अब वो हम कैसे बताएंगे, ठीक है, वो हम यहाँ पे प्रिंट एफ की स्टेटमेंट देंगे, लेकिन अभी देखिए मैं इसको ऐसे करता हूँ ना तो कुछ भी स्क्रीन पे नहीं आएगा, लेकिन ये वैल्यू जरूर अपने इसके अंदर वेरिएबल के अंदर जरूर रख लेगा, ठीक है। जैसे मैं इसको रन करता हूँ, मैं इसका नाम दे देता हूँ 10th प्रैक्टिस, ठीक है, कंप्यूटर, ओके जी, सेव करते हैं इसको। तो मेरे पास इसका रिजल्ट्स आएंगे, अभी देखिएगा यहाँ पे, ये देखिए मेरे पास एक रिजल्ट आया, लेकिन बिल्कुल कुछ भी नहीं है यहाँ पे, मैं जो भी एंटर करूँगा ना, ठीक है, ये देखें ये एंटर किया तो बस एग्जिट हो गया, लेकिन हमने यूज़र को बताना है कि भाई एंटर करो, तो उसके लिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पे आके लिखता हूँ प्रिंट एफ, ठीक है, इसके अंदर मैं लिख देता हूँ प्लीज़ एंटर ग्रेड। अब क्या होगा जी, सिंपल है कि वो इसको जो है ग्रेड एंटर करने देगा। यहाँ पे मैं परसेंट बैक स्लैश एन लगाता हूँ, इसका भी मैं बात करूँगा, बैक स्लैश एन मैंने क्यों लगाया, ये बेसिकली नई लाइन में जो है कर्सर को ले जाएगा, ठीक है, ये स्केप सीक्वेंस का आगे टॉपिक आने वाला, उसमें डिस्कस करूँगा मैं। तो ये देखिएगा हमने ये, इसको मैं ज़रा करता हूँ रन, तो ये देखें अब वो क्या कह रहा है, प्लीज़ एंटर ग्रेड। अब मैं यहाँ पे ए लिखता हूँ, ठीक है, ए लिख के मैं एंटर करता हूँ, ये बेसिकली ये जो ए ग्रेड है ना, ये जो मैंने ए वैल्यू एंटर किया है, ये जहाँ जाके कहाँ पे स्टोर हुई है, ग्रेड के, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि आप इसको दिखाना चाहते हैं कि भाई आपने चेक करना है कि क्या ग्रेड के अंदर क्या वैल्यू स्टोर हुई है, तो कोई मसला नहीं है, आप वो भी देख सकते हैं। कैसे देख सकते हैं जी, आप इसके नीचे जाके लिखें प्रिंट एफ, ठीक है, प्रिंट एफ, और उसके अंदर लिखें यहाँ पे बताएं जी यू एंटर्ड, ठीक है, आपने एंटर किया है परसेंट सी, आपको पता है जैसे हम पहले भी करते रहे हैं परसेंट सी, और आगे आप उसको बता दें कि कौन सी वैल्यू जी, ग्रेड की वैल्यू शो करवा दो, देखना आपने ये है कि ग्रेड के अंदर क्या स्टोर हुआ है ना, ये देखना चाहते हैं। यहाँ पे भी मैं बैक स्लैश एन लगाता हूँ ताकि नई लाइन में मुझे शो हो। अब मैं जब इसको रन करूंगा ना, तो जो भी आप ग्रेड के अंदर एंटर करेंगे वो इधर शो हो जाएगा, ये देखिएगा, मैं रन करता हूँ कंपाइल एंड रन, आज प्लीज एंटर ग्रेड, मैं लिखता हूँ बी, मैं एंटर करता हूँ, ये देखें ये आ गया यू एंटर्ड बी, ये आपने बी एंटर किया था। ये देखें जी, इसमें एग्जाम्पल को थोड़ा सा मज़ीद डिस्कस कर लेते हैं स्कैन एफ की। वैसे तो मैंने इसको काफ़ी हद तक इसको एक्सप्लेन कर दिया, लेकिन स्टिल आपकी बुक के ऊपर जो चीज़ें लिखी हैं उसको भी देख लेते हैं। इन दिस एग्जाम्पल परसेंट सी फॉर्मेट स्पेसिफायर इज यूज टू स्पेसिफाई करेक्टर टाइप फॉर द इनपुट वेरिएबल, वही मैंने बता दिया। अगर आप यहाँ पे स्टूडेंट्स इंटीजर टाइप का ले रहे होते, आपको पता है तो इंटीजर टाइप का होता तो फिर आप परसेंट डी लिखते, ठीक है, ऐसे ही फ्लोट टाइप होता तो परसेंट एफ लिखते, तो वो डेटा टाइप आपने यहाँ पे मेंशन करनी है। इनपुट एंटर्ड बाय यूजर इज सेव्ड इन वेरिएबल ग्रेड, बिल्कुल वही बात कि हमने जो वेरिएबल की वो जो इनपुट ली है वो बेसिकली इस वेरिएबल के अंदर स्टोर हो रही है, ठीक है, ग्रेड के अंदर। अब इसके अंदर दो हिस्से हैं जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया, एक हिस्सा आपका ये वाला है और एक हिस्सा आपका ये वाला है। इस हिस्से के अंदर अगर आप देखें तो डेटा टाइप मेंशन कर रहे हैं, और इस हिस्से के अंदर आप बता रहे हैं कि वेरिएबल कौन सा यूज हो रहा है, ठीक है। अब इसमें देखें डबल कोट्स के अंदर आप बेसिकली डेटा टाइप बताते हैं, और इधर आप आके उसका वेरिएबल बताते हैं, तो ये आपने एंड नहीं मिस करना, क्योंकि एंड की वजह से उसको पता चलेगा कि किस एड्रेस पे जाके उसको स्टोर करना है। तो आई थिंक काफी हद तक चीजें क्लियर हुई हैं, आगे चलते हैं। एक और एग्जाम्पल है आपकी, यहाँ पे आपको जो है एग्जाम्पल गिवन है कि आपने ये कोड करना है जिसमें ये लिखा हुआ है कि एंटर ए नंबर बिटवीन 0 to 10 और स्कैन एफ करें उसको और नंबर एंटर करवाएं, देन आप उसी नंबर को प्रिंट करवा दें कि यूजर ने क्या नंबर एंटर किया है। तो नो इशू जी, हम इस एग्जाम्पल को करते हैं आपके सामने ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आए। अब अगेन मैं वहां पे ही आता हूँ जी, अपने dev C++ पे, ठीक है जी। तो यहाँ पे आके अब मैं क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ जी प्रिंट एफ सबसे पहले, ठीक है, और मैं ये कहता हूँ कि भाई प्लीज एंटर ए नंबर 0 to 10, ठीक हो गया ना, 0 to 10 जो है ना अपना नंबर जो कोई भी एंटर करे, ठीक है। हम आगे क्या करते हैं, स्कैन एफ, अब हमने यूजर से इनपुट तो लेनी है, तो उसके लिए स्कैन एफ फंक्शन यूज होगा। अब स्कैन एफ के अंदर आके मैंने आपको वही जो तरीका बताया है, सबसे पहले आपने बताना है किस डाटा टाइप का जो है वो लेना है आपने, और जिसके अंदर रखना है वो भी तो बताना है आपने, दो हिस्से है ना, एक हिस्सा ये है कि डाटा टाइप का, और दूसरा हिस्सा है आपने जिस वेरिएबल के अंदर स्टोर करना है। तो मैं पहले यहाँ पे ऊपर साथ ही मैं वेरिएबल बना लेता हूँ, मैंने इंटीजर टाइप का मैं कह लेता हूँ नम, ठीक है,
अब ये num के अंदर मैं स्टोर करना चाह रहा हूँ, ठीक है, और टाइप है इंटीजर। यहाँ पे आके डबल कोट्स के अंदर मैं बताऊंगा परसेंट, बताऊंगा डी, डी से मुराद इंटीजर है, फिर मैं कॉमा लगाऊंगा, उसके बाद कॉमा लगाने के बाद मैं बताऊंगा जी किस वेरिएबल के अंदर इसको स्टोर करना है, एंड लगा के मैं नम लिखता हूँ। ठीक हो गया स्टूडेंट। अब मैं चाहता हूँ कि जो भी मैंने एंटर किया है ना, यानी जो भी यूजर एंटर करे वो ही शो करवा दो, तो मैं इधर लिखता हूँ प्रिंट एफ, ठीक है, और इधर मैं लिखता हूँ यू एंटर्ड, यू एंटर्ड, आगे मैं कह देता हूँ जी यहाँ पे आपको पता है परसेंट डी लगाऊंगा, परसेंट डी की जगह पे क्या प्रिंट होना चाहिए, नंबर प्रिंट होना चाहिए, तो नम मैं इधर लिख देता हूँ और इसको मैं करता हूँ स्टेटमेंट टर्मिनेटर, ठीक है। और दूसरी बात यह है यहाँ पे मैं बैक स्लैश एन लगाऊंगा, बैक स्लैश एन से नए लाइन पे चला जाता है। आपको बल्कि ये भी डिफरेंस मैं बता देता हूँ कि बैक स्लैश एन का डिफरेंस क्या आता है, देखिएगा आउटपुट के अंदर। अब मैं इसको रन करता हूँ, ठीक है जी, ये मैं इसको रन कर रहा हूँ, ये देखिए मुझे कह रहा है प्लीज एंटर ए नंबर 0 to 10, ये देखिए यहाँ पे ब्लिंक कर रहा है कर्सर, देख रहे हैं ना यहाँ पे ब्लिंक कर रहा है ऊपर, ठीक है। तो मैं नहीं चाहता कि यहाँ पे आए, मैं चाहता हूँ यहाँ पे आए इधर, ठीक है, इधर आए। तो इसके लिए मैं अभी इसको बंद कर रहा हूँ, मैं यहाँ से ना आके तो मैं बैक स्लैश एन लगाता हूँ। अब देखिएगा आपकी जो जितनी भी आउटपुट्स है ना वो नई जगह पे जाएंगी, ठीक है। ऐसे ही मैं इधर भी ऐसे कर लेता हूँ, बैक स्लैश एन कर लेता हूँ ताकि नई लाइन में मुझे आउटपुट आए। तो मैं इसको अब रन करता हूँ, अब देखिएगा कि वो नई लाइन में ब्लिंक कर रहा है, देखें अब प्लीज एंटर नंबर, मैं कहता हूँ 9, ओके एंटर करता हूँ, वो देखें मुझे उसने क्या कह दिया, यू एंटर्ड 9, ठीक है। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स आपने जो है ये एग्जाम्पल की, मुझे उम्मीद है कि आपने बड़ा अच्छे तरीके से इस चीज़ को समझा होगा, ठीक है जी। ये एग्जाम्पल कोड हम लोगों ने जो अभी किया है, इम्पोर्टेंट नोट है इसको भी देख लें, ठीक है, कि यहाँ पे इम्पोर्टेंट नोट, ये सारा कंटेंट आपकी बुक से लिया गया है, वी टेक मल्टीपल इनपुट्स यूजिंग सिंगल स्कैन एफ फंक्शन, ठीक है। आप अगर चाहें तो एक ही लाइन के अंदर मल्टीपल इनपुट्स ले सकते हैं, ठीक है। जैसे आपने अगर ए बी सी के अंदर वैल्यूज लेनी है, उनके आप बताते जाएं, उनके डाटा टाइप बताएं और उधर से उसके कॉमा और वो बताते जाएं नंबर्स, ठीक है। और ये क्या करेगा, ये दो इंटीजर और एक फ्लोट जो है इस तरह की वैल्यू ले रहा है, तो मैं इसकी भी आपके सामने एग्जांपल करता हूँ, ठीक है, फिर आप लोगों को मजीद जो है वो अच्छे तरीके से समझ आएगी कि किस तरीके से आप मल्टीपल इनपुट्स जो हैं वो एक ही जगह पे एक ही स्टेटमेंट के अंदर ले सकते हैं। नाउ लेट मी चेक, प्लीज एंटर ए नंबर, यहाँ पे ही मैं कह देता हूँ नंबर 1, एंड इधर ही मैं एक और जो वेरिएबल है वो डिक्लेयर कर देता हूँ इंट। वैसे ऊपर ही आप लोग चाहते तो डिक्लेयर कर सकते थे, लेकिन अभी मैंने क्योंकि आपको वो चीज़ सिखाई, हाँ बल्कि हम लोगों ने सीख ली हुई है, तो यहाँ पे आप चाहें तो ऐसे भी नम टू डिक्लेयर कर सकते थे, ठीक है, लेकिन मैंने चले दोनों अलग अलग लाइन्स में डिक्लेयर कर दिए। अब ये देखें मैं इनको कहता हूँ प्लीज एंटर ए नंबर 0 to 10, एंटर 2 नंबर्स, ठीक है, मैं यहाँ पे कह देता हूँ प्लीज एंटर 2 नंबर्स, 0 to 10 दो नंबर जो है वो एंटर करें, ठीक है। अब मैं यहाँ पे ना मैंने क्योंकि दो नंबर देने हैं तो मैं एक और परसेंट डी लगा देता हूँ, ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अब क्योंकि एक और मैं यहाँ पे नंबर ले रहा हूँ तो यहाँ पे मुझे एक उसका सॉरी एंड ऑपरेटर लगा के मुझे बताना होगा, तो अगेन मैं यहाँ पे कॉमा और एंड और मैं कह लेता हूँ नम टू के अंदर उसको स्टोर कर दो, ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अब ये देखें नम वन के अंदर भी एक वैल्यू आएगी, ठीक है, यहाँ पे नम वन के अंदर वैल्यू आएगी एक नम टू के अंदर मैं इसको स्टोर कर रहा हूँ, ठीक हो गया। ये परसेंट डी मैंने लगाया है नम वन के लिए और परसेंट डी लगाया है मैंने नम टू के लिए। तो इसी तरीके से आप अगर चाहते हैं, अच्छा यहाँ पे यू एंटर्ड, ठीक है, नंबर वन जो है आपने एंटर किया परसेंट डी, उसकी जगह पे आ जाएगा नंबर वन प्रिंट हो जाएगा। ऐसे ही आप मल्टीपल आउटपुट एंड नंबर टू, आपने नंबर टू जो है वो किया है परसेंटेज, यहाँ पे मैं कह देता हूँ डी अगेन, तो अब इस परसेंटेज डी की जगह पे मैं चाहता हूँ क्या प्रिंट हो जी, यहाँ पे मैं लगाता हूँ नम टू। अब ये देखें जी, ठीक है, हो कह रहा है कि आप एक ही लाइन के अंदर दो नंबर्स को इनपुट ले रहे हैं उनकी, ठीक है, ये देखें, ठीक है, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे स्लाइड्स के अंदर देखा था, ठीक है, ये देखें बिल्कुल इसी तरीके से इसी फॉर्मेट से। अब मैं इसको करता हूँ रन ताकि आपको जरा समझ आए कि मैंने इसमें किया क्या है, ठीक है, तो लें जी ये रन कर रहा हूँ, तो कहता है प्लीज एंटर टू नंबर्स, ठीक है, 0 to 10, तो
ईच टाइम आपने एक नंबर जब एंटर कर लेना तो एंटर प्रेस करना है। जैसे कि मैं पहला नंबर 8 प्रेस किया, एंटर प्रेस किया, फिर मैंने 9 प्रेस किया, एंटर प्रेस किया, ये देखें जी उसने कह दिया है कि यू एंटर्ड नंबर 1, जो आपने नंबर 1 एंटर किया है वो 8 है, एंड नंबर 2 जो आपने एंटर किया है वो 9। तो सेम जिस तरीके से हम लोगों ने पहले भी सीखा, प्रिंट एफ की स्टेटमेंट भी यहाँ पे कवर हो रही है, यहाँ पे स्कैन एफ की भी कवर हो रही है। तो काफी हद तक आपको चीजें जो हैं वो समझ आई होंगी। तो यहाँ तक हमारा स्कैन एफ का फंक्शन कंप्लीट हुआ।